दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के बीच आज ट्विटर पर एक वॉर शुरू हो चुका है। शुरुआत में मजाक की तरह सामने आए ट्वीट धीरे धीरे मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दिए। इस बीच लोग ये पता नहीं लगा पाए कि दोनों दिग्गजों के बीच क्या गलत हुआ कि वो एक दूसरे से इतनी धूर्तता से पेश आ रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब अनिल कपूर ने अपनी वेब शो दिल्ली क्राइम के लिए एमी को बेस्ट ड्रामा सीरीज जीतने के बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की को स्टार शेफाली शाह का हॉलीवुड में स्वागत किया। उन्होंने लिखा, मैंने इसे एक बार कहा और मैं इसे फिर से कहूंगा क्योंकि वो पूरी तरह से इसके लायक है। हैशटैग डेली क्राइम टीम को बधाई। अच्छा लगा अंत में हमारे लोगों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लेकिन अनिल कपूर को शायद नहीं पता था कि अनुराग कश्यप स्ट्राइक करने का इंतजार कर रहे थे। कपूर के ट्वीट का जवाब देते हुए कश्यप ने उनके ऑस्कर नामांकन का मजाक उड़ाया और पूछा, कुछ योग्य लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करते हुए देखकर अच्छा लगा। वाइस, आपका ऑस्कर किधर है? नहीं, अच्छा नामांकन। अनिल कपूर ने इसके बाद ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आप ऑस्कर के सबसे करीब आए हैं। स्लम डॉग मिलियनर को टीवी पर ऑस्कर जीतते हुए देख रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। अनुराग ने इस पर जवाब देते हुए कहा, हैंड मी डाउन फिल्मों के किंग को कहते हैं, क्या आप इस फिल्म के लिए दूसरी पसंद नहीं है? इसके जवाब में अनिल ने लिखा, हैंड मी डाउन या पिकअप अप, मैं ध्यान नहीं देता, काम ही काम है। तुम्हारे जैसे काम खोजते समय बाल तो नहीं नोचने पड़ते। और इस तरीके से धीरे धीरे ही इन दोनों के बीच में एक जवाब पर दूसरा जवाब आता गया और इन दोनों के बीच का मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। वैसे अगर आप इन दोनों की लड़ाई को देखकर परेशान हैं, तो बता दें कि ट्विटर वॉर एक सीरीज का प्रमोशनल एक्शन माना जाता है क्योंकि कश्यप और कपूर एक नेटफ्लिक्स शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम AK वर्सेस AK है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।